नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर और आज जो डिजाइन आप देख रहे हैं इसका प्लान मैं पहले दिखाऊंगा आपको उसके बाद इसका वीडियो दिखाऊंगा 3D में तो ये प्लान रहेगा डुप्लेक्स प्लान है ईस्ट फेस का प्लान है और एक साइड में जो साउथ साइड है वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे शॉप बनाई गई तो आइए इसका मैं जो प्लान का जो डिजाइन है वो आपको दिखा देता हूँ तो चलिए देख लेते हैं पूरी डिटेल के साथ प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द आइकन हमारा आज का ये जो डिजाइन है ये हमसे बनवाया है मिस्टर बंटी और संध्या जी ने जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। तो देख लें इसको इसका जो फ्रंट एलिवेशन रहेगा इस टाइप का है वीडियो के शुरुआत में बता चुका हूँ डुप्लेक्स डिजाइन है विथ सोप और ईस्ट फेस का डिजाइन है पूर्ण वास्तु के अनुसार इसको बनाया गया है तो दिखा देता हूँ आपको अंदर से बाहर से ये फ्रंट है आप फ्रंट देख ही चुके हैं साइड में अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ये डिज़ाइन रहेगा हमारा साउथ की तरफ इसमें चार दुकानें निकाली गई हैं दस गुना बारह फिट साइज के अंदर क्योंकि जो हमारा बेसिक जो डिज़ाइन है वो त्रेपन बाई त्रेपन का था जिसके अंदर दस फीट सामने से छोड़ दी गई जगह तैतालीस हो जाता है उसके बाद साइड में तिरपन था तो उसमें से भी 5 फीट दुकानों की तरफ आगे छोड़ दी गई है अड़तालीस बाई तैतालीस का ये जो डिजाइन है अगर 5 फीट का स्पेस जोड़ दें तो तैतालीस बाई त्रेपन का ये हमारा डिज़ाइन रहेगा फ्रंट में देख लें दो दरवाजे हैं ये मुख्य दरवाजा रहेगा साइड में जो दरवाजा था वो हमारा बैठक कहीं गेस्ट रूम कहीं उसका दरवाजा रहेगा यहाँ से डायरेक्ट आप हॉल के अंदर एंट्री कर सकते हैं डाइनिंग टेबल यहाँ पे रहेगी वाश बेसिन सामने देख सकते हैं साइड में सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे प्रॉपर एक जगह पे वास्तु के हिसाब से उनको बनाया गया है उसके बाद ये हाल है पहले मैं आपको जो हमारा गेस्ट रूम से शुरुआत करता हूँ वो दिखा के आपको ऊपर भी ले चलूंगा और दोस्तों रिक्वेस्ट ये करूंगा आपसे कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है हमारा अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो लगभग पंद्रह मिनट के करीब ये वीडियो हो जाता है तो वीडियो को पूरा देखें स्किप ना करें अगर आप अच्छी तरह इस घर को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यहाँ पे ये गेस्ट रूम है चौदह गुना चौदह फिट साइज का रहेगा यहाँ से कॉर्नर के ऊपर आप देखेंगे ईशान कौन में इसको यहाँ पे बनाया गया है इस तरीके का ये जो आपका बैठक का रहेगा डिजाइनर छत बनवा सकते हैं जो पेंट वगैरह है जो आपकी चॉइस का आप करवा सकते हैं कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम एक विजुअलाइजेशन के दिखाने के लिए एक अच्छा तो आपको दिखाने के लिए कलर लगा देते हैं बाकी आप कलर अपने हिसाब से भी बाद में बनाने के बाद करवा सकते हैं तो ये हाल है पहले मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा जो हमारा गेस्ट रूम था उसके साथ लगता है यहाँ चार बाई आठ फीट का यहाँ पे देखिए एक मंदिर है आप जिस भी देवी देवता को यहाँ पे स्थापित करना चाहें जिसकी पूजा आराधना करते हो आप हिंदू मुस्लिम है ईसाई है सिख है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे आपका पूजा स्थल या आपका का जो भी हो आप, आप बनवा सकते हैं यहाँ पे और साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक स्टोर रूम है वैसे तो इसको आप चाहें तो स्टडी रूम भी बना सकते हैं बच्चों के लिए पढ़ने के लिए यहाँ पे आपका हो जाएगा उसके बाद इसके पीछे की तरफ अगर हम देखें जो स्टोर रूम के साथ दरवाजा है ये अंदर चलते हैं ये हमारा बारह गुणा बारह साइज का कॉर्नर पे बैक साइड पे एक कमरा है पर्सनल रूम की तरह इसको, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पे बेड हो जाएगा आप वार्डरो रखना चाहें साइड में यहाँ पे रख सकते हैं अगर दीवार के अंदर फिक्स कराना चाहे वार्डरो तो वो भी यहाँ पे आपकी बन सकती है उसके बाद बाहर का जो पोर्शन है जो हॉल है हॉल के अंदर भी एक एक चीज़ दिखाऊंगा उससे पहले मैं आपको जो टॉयलेट बाथरूम है नीचे के पीछे की तरफ दो दोनों बेडरूम के बीच में वो दिखा देता हूँ यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम के साथ आपको वॉशिंग एरिया भी मिल जाएगा और जो पीछे का जो टॉयलेट है इसको वेंटिलेशन के हिसाब से भी डिजाइन किया गया है वो भी आपको दिखाऊंगा तो ये यह यहाँ पे बाथरूम के लिए स्पेस है और ये वेस्टर्न कब्बर्ड आप लगा सकते हैं सीट इंग्लिश सीट जिसको बोलते हैं और जो खिड़की है यहाँ पे हमारा एक ओ है तो वेंटिलेशन के लिए यहाँ से खिड़की हमने दी है और इसी साइड आप कपबर्ड लगा सकते हैं यहाँ से इंग्लिश टाइप की सीट लगाएं या आप देसी जो आप भी रखना चाहें वो बनवा सकते हैं इसके अंदर उसके बाद बाहर मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं आपका जो वॉशिंग के लिए ये देखिए वास वॉशिंग एरिया यहाँ पे आपका बन जाएगा आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन है टब है इस ये कपड़े धोने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जगह को उसके बाद यहाँ से जो बेडरूम है नेक्स्ट बेडरूम है हमारा यहाँ पे अंदर ले चलता हूं आपको साइज की अगर बात करें बारह गुना बारह फीट साइज रहेगा इसका बेडरूम का और ये जो बेडरूम है इसके साथ एक टॉयलेट बाथरूम अटैच है वेंटिलेशन के लिए बेडरूम में खिड़की लगाई है जो हमने पीछे ओटीएस छोड़ दिया था वहां पे दोनों टॉयलेट बाथरूम है उनके लिए वेंटिलेशन की सुविधा हुई और जो ये हमारा बेडरूम है इसमें भी वेंटिलेशन की सुविधा आपको मिल जाएगी तो ये अटैच बैथ टॉयलेट बाथरूम है इस बेडरूम के साथ उसके बाद में आपको आगे का जो बाकी डिजाइन है वो भी दिखा देता हूँ बेडरूम जो हमारा बेड है उसके सामने की सीट पर जो वॉल है हमारी वहाँ पर आप टीवी कैबिनेट बनवा सकते हैं जो कि यहाँ पे हमने वुडन एक लकड़ी का आपको दिखाया ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का टीवी के लिए स्टैंड वगैरह जो भी बनवाना चाहे वो बनवा सकते हैं साइड में आपको वार्डरोब के लिए स्पेस हो जाएगा नेक्स्ट जो है हमारा हाल के अंदर से लेके चलते हुए आपको दिखाएंगे यहाँ पे किचन में ले चलता हूँ आपको पहले देखिए यहाँ से दिखा देता हूँ सीढ़ियां और सीढ़ियों के नीचे भी जो अलमारी वगैरह इस टाइप का आप डिजाइन बना सकते हैं ताकि आपका जो सीढ़ियों के नीचे का स्पेस है वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो सके और जो किचन है हमारी नौ गुणा दस फिट की है आग्न एक को बनाया गया है यहाँ पे देख सकते हैं आप जो फर्नीचर है किचन का वो आप अपने हिसाब से मॉडिफाइड करवा सकते हैं यहाँ पे एक सैम्पल के तौर पे हम लगाते हैं वो देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा स्पेस हो जाता है नौ बाई दस फिट का किचन के लिए उसके बाद आपको मैं जो फर्स्ट फ्लोर है हमारा यहाँ से सीढ़ियाँ देख सकते हैं आप फर्स्ट फ्लोर पे ले चलता हूँ सीढ़ियाँ यहाँ पे आप ग्रेनाइट लगवाएं या फिर आजकल जो टाइल्स है वो भी सीढ़ियों के लिए स्पेशल आती है वो भी लगवा सकते हैं ये आपके ऊपर है आप इसके ऊपर क्या लगवाना चाहते हैं यहाँ से हमारा फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट हो जाता है जैसे ही हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको बड़ा हॉल मिल जाएगा यहाँ पे लाउंज एरिया बनाया गया है सीढ़ियों के साथ में जहाँ पे आप सोफा देख रहे हैं टेबल देख रहे हैं सीढ़ियों के नीचे है और यहाँ पे पहले मैं आपको पीछे के बेडरूम में ले चलता हूँ पीछे का जो बेडरूम नीचे था उसके ऊपर ही बिल्कुल सेम साइज है टॉयलेट बाथरूम अटैच है इसके साथ वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पे स्पेस दिया गया है जो पीछे का जो वही रहेगा जो नीचे था बिल्कुल उसमें कोई हमने चेंज नहीं किया ऊपर के पोर्शन में खास बात यह है कि जो हमारी शॉप का एरिया था उसके ऊपर भी एक अलग से पार्टीशन बनाया है वो भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा इसीलिए कहता हूँ वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें बार बार आपको आप समझ सकते हैं यहाँ पे ऊपर अगर देखेंगे ऊपर भी एक पूजा रूम बनाया गया है और फ्रंट में जो नीचे हमारी बैठक थी या उसे गेस्ट रूम कहें वहाँ पे भी उसके ऊपर यहाँ पे चौदह बाई चौदह का एक बेडरूम बनाया गया है यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको और जो बीच की दीवार है वहाँ पे टीवी को माउंट करने के लिए जगह यहाँ पे स्पेस बनाया गया है बाहर की अगर यहाँ पे हॉल के अंदर से दूसरे बेडरूम की बात करें या फिर यहाँ पे हमने देखिए एक किचन जो है हमारा उसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया है जो नीचे स्टोर था ऊपर के पोर्शन में स्टोर के ऊपर किचन बना दिया गया है जो हमारा पूजा रूम था वो बिल्कुल उसी जगह पे है तो ये ऊपर के पोर्शन में बना दिया गया है और वॉशिंग के लिए यहाँ पे वॉश बेसन यहाँ पे दे दिया गया है साथ में डाइनिंग टेबल आप रख सकते हैं पीछे का जो एक बेडरूम है वो भी नीचे का जो बेडरूम था बैक साइड का बिल्कुल उसके ऊपर बनाया गया है यहाँ भी वही डिजाइन वही स्टाइल है आप देख सकते हैं अगर कुछ इसमें ऊपर के पार्टीशन में चेंज है तो वो हमारी एक तो किचन में चेंज है और जो सीढ़ियां हैं उनमें भी थोड़ा चेंज है क्योंकि जो नीचे की सीढ़ियां थी उसके नीचे अलमारी वगैरह जो स्पेस वो बनाया गया था चलिए चलिए आप, अब आपको मैं यहाँ से ऊपर का जो टॉयलेट बाथरूम है कमन यूज के लिए वो दिखा देता हूँ ये टॉयलेट बाथरूम आपका कमन यूज के लिए रहेगा और यहाँ भी ऊपर भी वॉशिंग के लिए स्पेशल एरिया इसके साथ में जो नीचे था वही बनाया गया है तो ये डाइनिंग टेबल है और दूसरी तरफ अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बाहर जाने के लिए बालकनी में जाने के लिए मेन डोर रहेगा और इसी दरवाजे के बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो दूसरा पार्टीशन है हमारा जो शॉप के ऊपर था वो कैसा यहाँ पे डिजाइनर छज्जा दिया गया है और ये जो तो दरवाज़ा देख रहे हैं ये हमारा सेकंड पार्ट पार्टीशन है इसी का जो फर्स्ट फ्लोर का सेकंड पार्टीशन है यहाँ पे आप देखेंगे एक किचन रहेगी सेपरेटली इसको डिजाइन किया गया है ओपन किचन है बिल्कुल वेंटिलेशन के लिए फ्रंट में खिड़की है तो देख लीजिए वॉशिंग वा, के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉश बेसन रहेगा और दूसरी साइड अगर देखें तो इस पार्टीशन में भी एक छोटा हॉल यहाँ पे आपको मिल जाएगा जहाँ पे आपका टीवी वगैरह होगा आपका सोफ़ा रख सकते हैं डाइनिंग के लिए स्पेस है और इसी के अंदर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा एक सिंगल बेड भी आप चाहे तो रख सकते हैं डबल बेड के लिए भी आप यहाँ पे स्पेस आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे सोफ़ा रहेगा डाइनिंग टेबल रहेगी और ये एक सिंगल बेड रहेगा रेस्ट के लिए बाकी पूरा एरिया जो है ओपन है ये सामने मैं आपको थोड़ा सा घुमा के दिखा देता हूँ यहाँ पे एक डिजाइनर आप देख सकते हैं लकड़ी से बने हुए अलमीरा वगैरह इस टाइप का फर्नीचर बनवा सकते हैं जहाँ पे आपकी बुक वगैरह रखी जा सकती हैं टीवी रखा जा सकता छोटा या बड़ा डिपेंड करता है आपके ऊपर और दोस्तों इस चैनल का हमने लोगो लगा रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यहाँ पे देख लें टी के अंदर और अब मैं पीछे ले चलता हूँ आपको जो दरवाजा देख रहे हैं ये पीछे का दरवाजा है बारह गुणा बारह साइज का इसका स्पेस रहेगा और इसके अंदर यहाँ पे सामने एक ड्रेसिंग के लिए ये अलमारी है और साइड में यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम अटैच है इस बेडरूम के साथ अगर आप देखेंगे चार बाई आठ का जो स्पेस है वो टॉयलेट बाथरूम के लिए बनाया गया है ये देख लें यहाँ पे और काफ़ी अच्छे स्टाइल का जो डिज़ाइन है वो हमारा ये बना है दोस्तों तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं हमारे जो व्यूअर है वो बहुत से हमारे पास कमेंट करते हैं सर साथ में इसका जो बजट होता है घर का वो भी बताएं तो देखिए डुप्लेक्स डिजाइन है पिलर बेस पूरा डिजाइन है तो लगभग इसका जो बजट होगा करीबन तीस या बत्तीस लाख रुपए के हो जाएगा अगर पूरा इसको आप कंप्लीट करते हैं मैं डबल फ्लोर की बात कर रहा हूँ सिंगल फ्लोर में कम खर्चा आएगा आपका अगर डबल फ्लो फ्लोर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तीस से बत्तीस के करीब हमारा आइडिया है इसका बजट का बाकी मटेरियल के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कैसा यूज़ करते हैं आइए अब वापिस आपको ले चलता हूँ यहाँ पे जो हमारा टेरेस है ऊपर का जो यहाँ से ऊपर ले चलता हूँ जहाँ पे हमने इसको पूरा कवर अप पूरा डिज़ाइन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है ऊपर क्या क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा तो ये सीढ़ियाँ हैं सीढ़ियों के के ऊपर जो इसको छाप दिया गया पूरा का पूरा एक तो इससे आपकी जो घर है जो बनेगा उसकी लुक बनेगी दूसरा आपकी इससे कई चीज़ों से सेफ्टी हो जाएगी अगर आपके एरिया में बंदर वगैरह होते हैं तो उनसे भी सेफ्टी हो जाती है यहाँ से दरवाजा बंद करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती बारिश वगैरह से भी आपकी सेफ्टी हो जाती है यहाँ पे तो ये सेकंड फ्लोर हो गया हमारा और पूरा का पूरा खाली है सेकंड फ्लोर पे सिर्फ सीढ़ियों को यहाँ से कवर किया गया है और अब फ्रंट का जो डिज़ाइन देख सकते हैं यहाँ पे स्लैब डाल के थोड़ा डिजाइन आप बना सकते हैं ये है हमारा आज का डिज़ाइन और दोस्तों बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार आपसे मैं विनती करता हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें वीडियो को लाइक करें ना लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें